फिलहाल इसको पकड़ो, जा 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 तेरी भैंस की नग, इसको पकड़ो अभी, 200 हेल्थ है इसका भाई, इसको मारो। तो गाइस फाइनली 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 गाइस यहां पर अपना ब्रीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ यार, यूनिफोल्ट को पकड़ ले यार, मैं तो मैं जाऊंगा, प्लीज यूनिफोल्ट को पकड़ ले प्लीज यार प्लीज। गाइस हम लोगों ने यूनिफोल्ट को पकड़ लिया भाई सब। ऑलराइट सो हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप सो गाइस आप लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का वीडियो वाले बहुत ज्यादा खतरनाक होने जा रही है, क्योंकि आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं गाइस पाल वर्ल्ड। एंड गाइस पाल वर्ल्ड के अंदर आज हम लोग करने वाले हैं गाइस ब्रीडिंग, एंड ब्रीडिंग तो भाई बहुत ही ज्यादा मजेदार सीन है अपना पाल वर्ल्ड के अंदर। तो गाइस मैंने कुछ दिन पहले यहां पर टेक्नो गेमर्स का एक वीडियो देखा था, जहां पर टेक्नो गेमर्स भी भाई ब्रीडिंग कर रहा था, एंड भाई नया से नया पोकेमोन को भाई पुनर्जन्म दे रहा है, मतलब टेक्नो गेमर्स जन्म नहीं दे रहा था, टेक्नो गेमर्स के पास जो पाल्स वगैरह रहता है भाई वो लोग भाई यहाँ पर पोकेमोन वगैरह का जन्म दे रहा था। तो मैंने सोचा यार अभी तक मैंने भी एक बार भी यहाँ पर पोकेमोन वगैरह का ब्रीडिंग नहीं किया, तो गाइस क्या बोलते हो आज किया जाए कि नहीं। तो यार बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। फिलहाल जो मेरा ब्रीडिंग फार्म है गाइस आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस मेरा ब्रीडिंग फार्म है इधर पे, बहुत ही सुंदर दिख रही है भाई ब्रीडिंग फार्म। फिलहाल एक साइड पे हम लोगों ने बना के रखा है, एंड गाइस ब्रीडिंग फार्म पे यहाँ पर अपना पोकेमोन वगैरह तो डालना पड़ेगा, एक मेल पोकेमोन को एंड एक फीमेल पोकेमोन को। लेकिन गाइस उन लोगों का जब मतलब मिलन होगा उस टाइम पे हम लोगों को केक भी डालना पड़ेगा, एंड केक के लिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई यार यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पॉट बनाया था भाई। ओके चलो यहाँ पर कुकिंग पॉट भाई देखो, पहले कुकिंग पॉट कुछ अलग लेवल का दिखता था, अभी देखो कुकिंग पॉट भाई ऐसा दिख रही है भाई अलग ही सिस्टम। खैर कोई बात नहीं है, यहाँ पर अपडेट के बाद आई थिंक सो ये चेंज हो गया। ये देखो भाई केक अपने को लाना पड़ेगा, आई मीन बनाना पड़ेगा, लेकिन केक को बनाने के लिए गाइस यहां पर अपने को चाहिए भाई फ्लोर देन मिल्क देन एग। तो गाइस मेरे पास यहां पर हनी भी है, रेड बेरीज, मतलब पांच चीज चाहिए एक केक बनाने के लिए। खैर सही है, एंड यहां पर हनी है मेरे पास एंड बेरीज वगैरह बहुत ज्यादा है। फिलहाल मिल्क चाहिए, एग चाहिए एंड फ्लोर चाहिए। तो भाई इन तीनों को लेने के लिए ना मुझे एक रास्ता पता चला कि वहां पर जाने के बाद भाई मैं परचेस कर सकता हूं ये तीनों चीज, जो कि आप लोगों को अभी ले चलता हूं उस वाले लोकेशन से। इधर से हम लोग फर्स्ट लेवल यूज करेंगे, एंड आई होप गाइस वो वाला लोकेशन ना नहीं रायन सिंडिकेट टावर पे तो नहीं था यार, मैं भी भूल चुका हूँ यार किधर पे था वो वाला लोकेशन। क्या भाई इस वाले लोकेशन पे था? भाई इस वाले लोकेशन पे भी नहीं था भाई सब, वो किधर था मुझे भी पता नहीं है, मैं भूल चुका हूँ यार। आई होप सो गाइस ये वाला लोकेशन भी हो सकता है स्मॉल सेटलमेंट, देखते हैं अभी क्या है इस वाले लोकेशन पे है। यस बॉयज यस 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 गाइस स्मॉल सेटलमेंट करके इस लोकेशन का नाम है। फिलहाल इधर पे अपने को परचेस करना पड़ेगा वो मिल्क फ्लो एंड और एक चीज था भाई एग, हाँ भाई ये तीनों चीज परचेस करना पड़ेगा। एंड इधर पे ना यहाँ पर कोई तो बंदा है भाई जो ब्लैक तरीके से यहाँ पर सब कुछ सेल करता है, पोकेमोन वगैरह एंड भाई एटसेट्रा बहुत कुछ सेल करता है। फिलहाल इन भैया के पास देखते हैं क्या भाई आपके पास एग वगैरह मिलेगा क्या। ऑलराइट तो यहाँ पर अपने को करना है बाय, एंड इधर पे आप लोग देख सकते हो गाइस फाइनली अपने को मिल चुका है भाई एग। तो सबसे पहले एग में यहाँ पर कितना परचेस करूँ गाइस, इधर पे कितना परचेस करूँ, इधर पे 10 कर लेता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मुझे भाई दो तीन एक बनाना है भाई, दो तीन एक नहीं दो तीन केक बनाना है भाई साहब। चलो यहाँ पर 15 मैंने एक परचेस कर लिया, यहाँ पर मिल्क भी थोड़ा बहुत 15 परचेस कर लेता हूँ, यहाँ पर 15 हम लोगों ने मिल्क भी परचेस कर लिया। एंड इधर पे गाइस और भी अपने को परचेस करना पड़ेगा फ्लोर, तो फ्लोर किधर पे चला गया दोस्तों? फ्लोर मुझे दिख नहीं रहा है भाई, वीट दिख रही है लेकिन फ्लोर तो नहीं दिख रहा भाई। क्या हम लोग वीट को अपना जो चक्की है भाई उस पे घुमा के हम लोग यहाँ पर फ्लोर भी बना पाएंगे यार? तो यहाँ पर मेरे पास तो ये वीट तो है, बहुत ज्यादा वीट है। फिलहाल और एक बार यहाँ पर और एक कोई तो रहता है, मैं उनसे भी एक बार देख लेता हूँ क्या उनके पास रहेगा कि नहीं, अगर मिल जाएगा तो सही है। फिलहाल इधर पे देखो और एक भैया है, तो इनसे देख लेता हूँ, आई थिंक सो ये पोकेमोन सेल करता है, एक बार चेक कर लेता है भाई सेल नहीं करने अपने को। हाँ भाई ये पोकेमोन वगैरह सेल करता है। फिलहाल इधर पे चलो और कुछ नहीं है, अभी चलता हूँ मैं अपना लोकेशन पे चलता हूँ एंड देखता हूँ क्या हम लोग यहाँ पर फ्लोर आई मीन वेट से फ्लोर बना पाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने लोकेशन पे एंड देखते हैं दोस्तों। ऑलराइट ऑलराइट इधर पे आप लोग देख सकते हो जो अपना वेट मशीन है, तो भाई ये है अपना वेट मशीन एंड ये देखो गाइस इधर से हम लोग फ्लोर बना पाएंगे। तो भाई मेरे पास यहाँ पर वेट तो बहुत ज्यादा है, फिलहाल यहाँ पर मैं 15 बना लेता हूँ, 15 क्या भाई यहाँ पर 20 बना लेता हूँ अभी के लिए। चलो स्टार्ट प्रोडक्शन करते हैं। एंड इधर पे कोई काम पे नहीं लग रहा भाई, कोई काम पे तो लग जा यार, कोई काम पे नहीं आ रहा, सब लोग सो गया क्या? ओके आ गया आ गया, एक तो आ गया यहाँ पर प्लांटिंग करने के लिए, अपना टेंस ही आ चुका। अबे ये तो यहाँ पर प्लांटिंग कर रहा है, इधर पे कोई तो आ जाओ, यहाँ पर पानी देना पड़ेगा क्या यार? सो गया ये लोग। चलो एक बार मैं झपकी लगा के आ जाता हूँ, क्या पता सुबह ये लोग सब काम करने लग जाए। ऑलराइट तो गाइस सुबह हो चुकी है दोस्तों, एंड इधर पे मेरा भाई देखो 4 पोकेमोन भाई डिप्रेस्ड है, 2 पोकेमोन डिप्रेस्ड है, एक ओवरफुल हो चुका है, एक फ्रैक्चर हो चुका है यार अलग ही सीन। यार देखते यहाँ पर अपना भाई फ्लोर का काम कोई तो करो, यहाँ पर कोई भी फ्लोर का काम नहीं कर रहा भाई इन लोगों के लिए। ऊपर से मुझे मेडिसिन बनाना पड़ेगा क्योंकि भाई ये लोग स्ट्रेस हो चुका है बहुत ज्यादा। एंड देखते अपना पानी वाला पोकेमोन ये है गाइस, इसे लिफ्ट करता हूं मैं। चलो पेंगुलेट
पेंगुलेट को ले चलते हैं गाइस। पेंगुलेट अपना काम कर देगा क्योंकि ये पानी देता है ये, एंड भाई ये यहाँ पर नहीं करेगा भाई, ये तो वाटरिंग का काम करता है। लेकिन भाई इसके लिए भाई कौन सा पोकेमोन लाना पड़ेगा यार। तो देखो भाई मैंने बोला ना यहाँ पर पेंगुलेट काम करते, देखो भाई पेंगुलेट तो खैर आ गया लेकिन भाई उस टाइम पे भाई काम नहीं कर रहा था। मुझे आई थिंक सो ना इस वाले साइड पे उसे रखना था, देन भाई ये बंदा काम करता है। खैर चलो अभी क्या किया जाए, यहाँ पर अपना वीट का काम होने देता है, आई मीन फ्लोर का काम होने देते हैं भाई। यहाँ पर मैं भी काम नहीं कर सकता, नहीं तो एक साथ काम करता तो भाई ज्यादा स्पीड से हो जाता। फिलहाल अपने पास और मतलब पानी देने का कोई पोकेमोन नहीं है क्या? पोकेमोन तो वैसे मेरे पास बहुत ज्यादा है, चलो आप लोगों को एक बार दिखाते हैं अपने पास कौन सा पोकेमोन है। देखो भाई यहाँ पर दो मेमोरेस्ट है, अपना इन्वेंटरी पे दो मेमोरेस्ट है इस एन वर्दा से, एंड यहाँ पर मुसांडा लक्स जो कि भाई मेरा फेवरेट, आई मीन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेरा पोकेमोन है भाई मुसांडा लक्स। नाइटविंग तो भाई उड़ने का काम आता है, ये भी बहुत ज्यादा काम का है। फिलहाल यहाँ पर गोड़ियट देखो, दो तीन गोड़ियट है भाई, गोड़ियट वगैरह सेल कर देंगे दो तीन। यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन टेल भी है भाई, किंग पासा, बहुत सारा पोकेमोन है इस वाले लाइन पे। एंड यहाँ पर देखो वीक सेंड करके कोई तो एक जोकर जैसा पोकेमोन मुझे मिला था भाई, बहुत ही सही दिख रहे हैं। एंड मेरे पास देखो गाइस एजरॉक्स भी है गाइस, बहुत ही तगड़ा है। एजरॉक्स को वैसे मैं अभी काम पे लगा रखा हूँ। एजरॉक को देखो जब मतलब हम लोग केक बनाएंगे ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा लेट तरीके से काम होता है, तो हम लोग उस टाइम पे एजरॉक को काम पे लगा देंगे। एजरॉक का भाई मतलब पावर ज्यादा है, तो एजरॉक फटाफट अपना केक बनाने डालेगा। फिलहाल यहाँ पर पेंगुलेट का क्या हो गया भाई, यहाँ पर दो बना के छोड़ दिया यार, पेंगुलेट का क्या हो गया भाई? पेंगुलेट का फ्रैक्चर हो चुका है भाई, मुझे यहाँ पर ना मेडिसिन वगैरह बनाना पड़ेगा अभी इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग भाई डिप्रेस्ड हो चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है, अलग ही सीन चलता है इन लोगों का। फिलहाल मैं फ्रिज पे कुछ तो मेडिसिन रखा था, यहाँ पर ये वाला मेडिसिन भाई फ्रैक्चर के लिए, ऑल राइट तो फ्रैक्चर के लिए है तो मैं दे दूंगा इसको फ्रैक्चर के लिए दोस्तों। अपना भाई पेंगुलेट को यहाँ पर खिला देते हैं, चलो अपना रिकवर हो चुका है पेंगुलेट फाइनली, एंड पेंगुलेट वापस काम पे लग जा भाई। वो पेंगुलेट किधर चला गया भाई? पेंगुलेट भाई काम पे अभी नहीं लगेगा क्योंकि भाई मैंने पेंगुलेट को अपना पार्टी में रख दिया था। क्या यहाँ पर मेमोरिस्ट को हटा के वापस पेंगुलेट का डाल दिया, एंड पेंगुलेट चलो भाई काम करने लग जाओ। ये देखो पेंगुलेट भाई अभी फुल ऑन एनर्जी पे आ चुका है। अरे यार उस पे नहीं काम करना, मुझे भाई अभी यहाँ पर वीट चाहिए यार, भाई वेट ही नहीं हो रहा कि मुझे कब यहाँ पर मैं भाई ब्रीडिंग वगैरह करूँ। एंड ये देखो उस पे काम कर रहा है, अबे यार इस पे, हाँ हाँ इस पे काम करो, फटाफट अभी काम करो। बाकी यहाँ पर मेरा और दो पोकेमोन भाई डिप्रेस्ड है, एंड और एक पोकेमोन जो कि अपना कौन सा है भाई फायरफॉक्स, वो भाई ओवरफुल हो चुका है। फिलहाल दो पोकेमोन डिप्रेस्ड है, तो गाइस डिप्रेस्ड के लिए मेरे पास ये वाला मेडिसिन ही क्या डिप्रेस्ड के लिए नहीं है, तो फ्रैक्चर के लिए ही है। तो डिप्रेस्ड के लिए मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ये देखो इंजेक्शन बनाना पड़ेगा, दो बनाना पड़ेगा भाई, एक ही बना सकता हूँ क्यों, मेरे पास इंगोट कम है। ऑल राइट तो यहाँ पर कोई काम पे लग जाओ, तब तक यहाँ पर इंगोट तो मैंने बनाने के लिए रखा था यार, इंगोट भाई मेरे पास ना खत्म हो जाता है। यहाँ पर और एक इंगोट बनाने के लिए रख दिया मैंने, लेकिन भाई यहाँ पर इंगोट का और कोई पत्थर वैसे मुझे दिख नहीं रहा फिलहाल। चलो अभी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर अपना भाई थोड़ा बहुत फ्लोर बना है कि नहीं। और राइट तो सात फ्लोर तो बन चुका है, उसको बनाने दे देते हैं यहाँ पर। तब तक ना एक काम करता हूँ, मैं केक बनाने के लिए रख देता हूँ यार, केक बनाना पड़ेगा अपने को। ऑल राइट तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो केक हम लोग कितना बना सकते हैं भाई, अभी के लिए एक ही बना सकते हैं क्या, क्यों भाई? यहाँ पर ओके यहाँ पर अपने को फ्लोर और भी चाहिए। अब यार इसे तोड़ने लगा मैं भाई, मतलब यहाँ पर मेरे पास दो कुकिंग पॉट है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, दो केक बनाने दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पर मुझे एजरॉक को चाहिए भाई, एजरॉक किधर गया भाई? एजरॉक चाहिए मुझे, ओ भाई एजरॉक रुको एजरॉक रुको भाई, मुझे एजरॉक को चाहिए। ओके एजरॉक तू भाई काम पे लग जा भाई, एजरॉक में ज्यादा पावर है भाई, तो यहाँ पर केक ना ज्यादा स्पीड से बना डालेगा अपना एजरॉक। ऑलराइट तो बॉयज फाइनली यहाँ पर अपना एजरॉक केक बनाने के लिए स्टार्ट हो चुका है। एंड देखो यहाँ पर एजरॉक में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई पावर तो है भाई एजरॉक में, दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने एजरॉक को पकड़ लिया था। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत और भी फ्लोर बन चुका है, तो मैं यहाँ पर भाई आज एक दो तीन पोकेमोन का आई मीन ब्रीडिंग करूंगा भाई, दो तीन बार ब्रीडिंग तो करूंगा। फिलहाल यहाँ पर और एक कुकिंग पॉट है, तो भाई इधर पे भी केक बनाने के लिए भाई एक चाहिए भाई, मेरे पास एक कम है यार, एक किधर से लाऊं मैं? इधर पे एक बंदा रहता है भाई, वो एक सेल करता है, लेकिन भाई यहाँ पर वो वाला बंदा दिख नहीं रहा मुझे एक बनाने के लिए। गाइस मुझे ना एग एंड मिल्क यहाँ पर जितना हो सके भाई परचेस करके ले आना पड़ेगा, तो मैं एक बार चलता हूँ यहाँ पर फटाफट उस वाले लोकेशन पे वापस से, यहाँ पर जितना हो सके गाइस मिल्क एंड एग परचेस करके ले आते हैं। ऑलराइट गाइस फाइनली हम लोग उस वाले लोकेशन पे तो आ चुके हैं दोस्तों, एंड इधर पे एक भैया है भाई, क्या मटन खा रहे हो क्या यार? मटन खा रहे हैं भाई, देखो कितना भाई अच्छी तरीके से एक टेंगड़ी खा रही है भाई, मुझे छोड़ के अकेला खा रही है। हाँ जी भैया मुझे यहाँ पर परचेस करना है मिल्क एंड एग, कहाँ है आपके पास है क्या यहाँ पर? ओके लेट्स गो, यहाँ पर मेरे पास पैसा तो देखो बहुत ज्यादा है नो डाउट। अबे यार इतना भी परचेस नहीं करना था भाई, 253 हो गया था यार, अलग ही सीन। चलो यहाँ पर फिलहाल एक चाहिए अपने को, कितना चाहिए यहाँ पर ले लेता हूँ भाई 40 एग ले लेता हूँ, चलो 40 एग ले लिया। मिल्क यहाँ पर मेरे को चाहिए, मिल्क भी चाहिए 41 नहीं आई मीन 40 ही
चाहिए। चलो यहाँ पर वे परचेस होके ऑलराइट हो गया। मेरे पास पैसा भी है देखो यहाँ पर भाई, एक इंजेक्शन का पैसा देखो भाई सब लिटरली 3000। यहाँ पर मेडिकल सप्लाईज भाई देखो, ये सब सप्लाईज वगैरह में थोड़ा बहुत ना परचेस करके रख लेता हूँ अभी के लिए, क्योंकि भाई ये सब बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं 5-5 करके परचेस कर लेता हूँ। एंड ये जो इंजेक्शन आप लोगों को दिख रही है भाई, हाई ग्रेड मेडिकल सप्लाईज, तो गाइस जिसे मैं बना लूंगा अपने पास, मतलब है मशीन तो है अपने पास, तो मैं उस मशीन के थ्रू भाई हम लोग बना लेंगे। फिलहाल चलते हैं यहाँ पर, जितने एक वगैरह मिल्क वगैरह है थोड़ा भाई यहाँ पर हम लोग जो वुडन चेस्ट है गाइस, वुडन चेस्ट में डाल देंगे, सिक्योर करके रख देंगे, वो सब बाद में काम पे तो आ ही जाएगा। फिलहाल अभी के लिए चलते हैं अपने लोकेशन पे, अपने घर पे चलते हैं और एक बनाने के लिए दे देते हैं। एंड तब तक भाई जब तक हम लोगों को केक नहीं बनता ना भाई, तब तक हम लोग यहाँ पर चलेंगे भाई कोई एक बॉस पोकेमोन को पकड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर देखो एक का काम, आई मीन केक का काम अभी भी नहीं हुआ भाई, बस इतना सा हुआ भाई। बहुत टाइम लगता है यार यहाँ पर केक बनने में, बहुत ही टाइम लगता है। फिलहाल यहाँ पर देखो मैंने दो तीन पोकेमोन मिलकर काम कर रहे हैं। नहीं टॉम बेट तो यहाँ पर खाना खा रही है भाई। चलो फिलहाल यहाँ पर अपना एजरॉक काम कर रही है। यहाँ पर कोई और एक पोकेमोन आ जाओ भाई इस वाले सेक्शन पे, कोई आ जाओ। चलो यहाँ पर कोई ना कोई तो आ ही जाएगा काम करने के लिए। यहाँ पर मेरे पास कोई अंडा वगैरह है क्या? अंडा वगैरह तो वैसे मेरे पास बहुत सारा है, मुझे ना एक इंक्यूबेटर जो है और भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो जितना एक इंक्यूबेटर होगा गाइस उतना अपने लिए ईजी हो जाएगा, तो एक साथ हम लोग 2-3 एग यहाँ पर डाल देंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ और 2-3 भाई एक इंक्यूबेटर भाई बनाना लगा देता हूं। फिलहाल यहां पर एक, लेट्स गो, इधर पे और एक बनाना है भाई। ओ भाई इसके लिए मुझे क्लोथ चाहिए भाई, मेरे पास क्लोथ नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां पर हम लोग क्लोथ भी बना लेंगे, अपने पास मशीन है भाई, सब कुछ है गाइस। यहां पर 10 क्लोथ बना लेते हैं, लेट्स गो। यहां पर फटाफट भाई देखो कितना स्पीड से हम लोग काम कर पा रहे हैं लिटरली भाई साहब। ऑलराइट तो गाइस फाइनली अपने ये वाला काम भी हो चुका है। यहां पर और एक इंक्यूबेटर बनाने दे देता हूं अपन, लेट्स गो। इधर पे थोड़ा साइड पे ओके, चलो फाइनली 3 हम लोगों ने एक इंक्यूबेटर बना डाला। यार मैं सोच रहा हूं भाई नेक्स्ट वाले वीडियो पे ना अपना बेस को एकदम भाई फुल चकाचौन बना दिया जाएगा। गाइस आप लोगों को क्या राय है एक बार जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो भाई यहां पर प्रॉपर एकदम भाई चकाचौन बेस चाहिए। अभी देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सीख रहा था, ऊपर से भाई इतना दिन से मैं वीडियो भी नहीं डाला, थोड़ा भाई रीजन था यहाँ पर वीडियो ना डालने का, नहीं तो इतना लॉन्ग गैप मैं कभी भी नहीं लेता हूँ, आप लोगों को भी पता है। लेकिन कुछ रीजन मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा रीजन हो गया था, डेट्स व्हाई यहाँ पर मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। मेरा लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चल रही है, उसके वजह से बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन चल रही है। लेकिन मैंने शुरू किया अपने लाइफ को वापस से, एक नया स्टार्टिंग किया, एकदम नई तरीके से नया अंदाज से मैंने शुरू किया कि नहीं भाई अभी एकदम प्रॉपर काम करना है, प्रॉपर वीडियोस आप लोगों के लिए बनाना है, एंड भाई आप लोगों को मजा देना है, खुद को भी मजे में रखना है। फिलहाल चलो यहाँ पर क्लोथ वगैरह तो बन चुका है, मैं क्या सोच रहा था भाई यहाँ पर, हाँ एक वगैरह अपने को डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर ओके और भी बहुत सारा एक है, लार्ज फ्रोजन एग है भाई, तो फ्रोजन एग भी अपने को जरूरत है, तो यहाँ पर लार्ज फ्रोजन एग और एक डाल दिया पुण्य। कोई एग है क्या दोस्तों यहाँ पर बड़े वाला? कोई एक तो वैसे मुझे दिख नहीं रहा इस वाले सेक्शन पे। ओके इधर पे भी है ह्यूज वर्डेंट एग, तो इसे भी भाई यहाँ पर दे दो ह्यूज वर्डेंट एग को। फिलहाल यहाँ पर 3-3 भाई अपना देखो हो गया, लग गया लाइन पे, और एक बना डाले क्या भाई यहाँ पर? भाई और भी अपने पास जगह है, मैं सोच रहा हूँ ना और भी एक इंक्यूबेटर भाई बना डालते हैं। यार क्या दिक्कत है गाइस आप लोग ही बताओ क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर और 2-3 बना डालते हैं। यार भाई इधर पे मटेरियल्स अपने पास कम है। फिलहाल यहाँ पर मुझे और एक दिखा था, तो इसे भी ले लेता हूँ एंड इसे भी भाई काम पे लगा देता हूँ अभी के लिए, तो हो जाएगा अपना काम भाई। यहाँ पर जितना भी एक का काम था भाई वो सब काम हो जाएगा। अबे भाई ये बिल्ड ही नहीं हुआ अभी तक भाई, तो गाइस यहाँ पर हम लोग और एक को डाल देते हैं भाई अपना काम करने के लिए। चलो यहाँ पर 4 एग का काम लग चुका है। फिलहाल ये वाला एक देखो 2 मिनट के अंदर ही निकल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर केक बनने में देखो भाई हाफ अपना ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन भाई टेक्नो गेमर्स के पास ज्यादा मतलब पावरफुल फायर पोकेमोन नहीं था, डेट्स व्हाई यहाँ पर भाई केक बनने में उसका लगभग 1.5 दिन लग गया था। यहाँ पर देखो गाइस कितना सारा मेरे पास एक है भाई इस वाले भाई डब्बा में भाई सब बैरल के अंदर, जो वुडन बैरल है इसके अंदर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाई 7 अंडा है मेरे पास। एंड इधर पे एक भाई अपना अंडा बन के रेडी भी हो चुका है, चलो इसको ओपन करके देखते हैं। एंड यहाँ पर क्या मिला अपने को? केलेरी मिला भाई, केलेरी मेरे पास ऑलरेडी है भाई साहब, ये केलेरी लेके मैं क्या करूँ? फिलहाल चलो और एक अंडा ले लेता हूँ अभी के लिए, एंड भाई इसे भी डाल देता हूँ भाई, लेट्स गो। रात तो होने ही वाला है एंड यहाँ पर मेरा केक भी रेडी होने ही वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ केक भी रेडी हो जाएगा रात तक, एंड मेरा यहाँ पर मतलब पोकेमोन वगैरह को मैं ब्रीडिंग पे भी लगा सकता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने गीगा स्पेयर बनाने के लिए रखा था भाई, गीगा स्पेयर भी बन के रेडी हो चुका है। बाकी यहाँ पर अपना इंजेक्शन का काम भी हो चुका है, मैं भी थोड़ा भाई यहाँ पर मदद कर देता हूँ अपना पोकेमोन का, क्योंकि अपना भाई 2-3 पोकेमोन ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो रखा है। यार उन लोगों को लेकर अलग ही सीन चलता है मेरा भाई, डिप्रेस क्यों हो जाते हो तुम लोग यार, अलग ही सिस्टम भाई, डिप्रेस हो जाता है भाई, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
फिलहाल कौन डिप्रेस है भाई यहाँ पर, एक्सट्रीमली अनहेल्दी भाई ये है अपना रॉबिन क्विल, रॉबिन क्विल ही है ना नाम इसका भाई, मैं भूल चुका हूँ, रॉबिन क्विल है। और एक पोकेमोन भाई अपना सिक हो चुका है, तो सिक के लिए अपने को और एक यहाँ पर देखो इन लोगों का हेल्थ भाई ठीक करते करते ही तो मेरा टाइम चल जाएगा ना यार। यहाँ पर कोल्स वगैरह के लिए ये है, तो मेरे पास ये तो है ऑलरेडी, तो मैं इन लोगों को ना डायरेक्टली कैसे खिलाऊ गाइस मुझे पता नहीं, आप लोगों को पता है क्या? लाइक देखो ये पोकेमोन अपना सिक हो चुका है, लाइक टॉम, हाँ तो टॉम को भाई डायरेक्ट मैं कैसे खिलाऊ, आई मीन देखो यहाँ पर मेरे पास ये है मेडिकल सप्लाई, लेकिन इधर से मैं खिला नहीं पाता हूँ, देखो ऐसे करके कुछ तो नहीं होता, तो मैं कैसे खिलाऊ वो ज्यादा दिक्कत वाली सीन हो जाता है मेरे लिए। लाइक देखो यहाँ पर अपना टॉम भाई अपना जो बेस होता है पाल बेस भाई, पाल बेस के अंदर है ठीक है, लेकिन मैं इधर से डायरेक्टली कैसे खिलाऊ वो मुझे पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो भाई जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक मुझे यहाँ पर सबसे पहले इसको इधर पे ले आना पड़ता है, लाइक उसको भाई मुझे पार्टी के अंदर ले आना पड़ता है, देन पार्टी के अंदर ले जाने के बाद मुझे ऐसे करके खिलाना पड़ता है। लाइक अभी देखो रिकवर हो चुका है, तो मैं वापस से इसको भाई भेज दूंगा अपना पाल बेस के अंदर, तो भाई ऐसे ऐसे मुझे करना पड़ता है। आप लोगों को अगर पता है मैं डायरेक्टली इधर पे ही कैसे खिला सकता हूँ तो भाई मुझे एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल मुझे कोल्ड वगैरह के लिए और किसी का कोल्ड है क्या भाई? डिप्रेस्ड है भाई, दो दो बंदा डिप्रेस्ड है, तो डिप्रेस्ड का भाई एक ही इंजेक्शन तो अपना बन चुका है, तो सबसे पहले रॉबिन क्विल को ले लेते भाई अपने पास। रॉबिन क्विल ले रहा, तो रॉबिन क्विल भैया आ जाइए जी, तो रॉबिन क्विल को अभी भाई खिलाना पड़ेगा, अपना इंजेक्शन पिलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। रॉबिन क्विल को भी दे दिया भाई, वो भी रिकवर हो चुका है, तो यहाँ पर वापस से मुझे ऐसे करके इसको भेजना पड़ेगा इस वाले सेक्शन पे। तो भाई ऐसा सिस्टम होता है भाई मेरे साथ। तो गाइस अगर आप लोगों को पता है तो जरूर मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना है। एक बंदा अपना वीकेंड पे भी है, तो भाई इन सबको ना सबसे पहले रिकवर कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पर मेरा एक केक बन के रेडी हो चुका है, तो भाई इसे सबसे पहले लेते हैं। एंड भाई रात भी हो चुका है, तो सबसे पहले झपकी लेके आते हैं, उसके बाद गाइस हम लोग ब्रीडिंग करने वाले हैं भाई, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है भाई। मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा कि भाई मैं यहाँ पर ब्रीडिंग करने वाला हूँ भाई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भाई। एंड मुझे बहुत सारा सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया, मतलब बहुत सारा मीन्स भाई दो तीन बंदे ने कमेंट करके बताया, लेकिन उन लोगों को भाई हाथ जोड़ के मैं बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मुझे बताया कि कौन सा पोकेमोन मेल है कौन सा पोकेमोन फीमेल है। लेकिन 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 गाइस और एक चीज यहाँ पर देखो, मुझे ना भाई तगड़ा से तगड़ा यहाँ पर पोकेमोन को ब्रीडिंग करना है, लेकिन भाई तगड़ा से तगड़ा पोकेमोन ब्रीडिंग तो करना ही है गाइस, वो बात तो सही है, लेकिन 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 उसके लिए दोस्तों अपने को सबसे पहले यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ भाई शॉर्ट, यहाँ पर लेवल कर लेता हूँ भाई अपने पास तगड़ा पोकेमोन कौन सा है। लाइक ये वाला पोकेमोन लेवल 33 का है दोस्तों, इस वाले पोकेमोन को लूंगा और मेमोरिस्ट को अगर लूंगा भाई, ये नहीं ये दोनों ही फीमेल है वैसे, तो मैं यहाँ पर तगड़ा से तगड़ा पोकेमोन तो लूंगा, ये अपना मेल है एंड ये अपना फीमेल है, तो मैं सोच रहा हूँ ये दो आइस पोकेमोन को बनाने के बाद कैसा पोकेमोन आएगा वो मैं देखना चाहता हूँ भाई। मेरे पास रेंड्रिक्स भी है, तो एक काम करता हूँ भाई, सबसे पहले अपना जो यहाँ पर दो दो पोकेमोन को हटा देता हूँ, लाइक इस वाले सेक्शन पे, नहीं मैं किधर पे हटाऊ रे बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबा जी। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर जो ये दो पोकेमोन आप लोगों को अभी के लिए दिख रही है भाई, टेंजी एंड स्पार्किट भाई, इन दोनों को हटा देता हूँ अभी के लिए, एंड ये दो पोकेमोन को ले लेता हूँ भाई इस वाले सेक्शन पे। वेट अ मिनट, किधर चला गया दोस्तों तू लोग, किधर चला गया? ये रहा भाई रेंड्रिक्स को ले लिया, एंड इधर पे अपना म्याउक्रिस्ट को ले लिया भाई, ये दो पोकेमोन को तो ले लिया। खैर भाई आजा आजा, तू किधर जा रही है रेंड्रिक्स? अरे रेंड्रिक्स अरे किधर भाग रही है भाई? ये लोग भागता है बहुत जल्दी भाई, बहुत जल्द जल्द भागता है भाई। अरे तू मेरे पास आ जा रे बाबा, तू मेरे पास आ जा, भाग क्यों रही है? तुझे ब्रीडिंग करना है अभी। एंड गाइस अगर आप लोगों को भाई पता है भाई कौन सा पोकेमोन ब्रीडिंग के लिए बहुत ही तगड़ा है भाई, मुझे जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताना यार, बहुत मेहरबानी हो जाएगा दोस्तों, बहुत मेहरबानी हो जाएगा। एक पोकेमोन को तो डाल दिया मैंने, एंड और एक माउक्रिस्ट था, अभी माउक्रिस्ट को मैं किधर ढूंढू? अभी माउक्रिस्ट किधर चलेगा? अबे यार माउक्रिस्ट, माउक्रिस्ट तू किधर, अबे किधर खो गया माउक्रिस्ट? हो रहा हो रहा हो रहा दोस्तों, यहाँ पर अपना माउक्रिस्ट मिल गया अपने को। चलो 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 माउक्रिस्ट बाद में ये सब करना है, अभी यहाँ पर ब्रीडिंग करो तुम लोग। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, तो गाइस जिसे भी हम लोगों ने भेज दिया, एंड ब्रीडिंग फार्म में यहाँ पर अपने को केक रखना पड़ेगा। ऑलराइट तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने केक भी रख दिया, लेकिन 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 भाई यहाँ पर अपने को मिलेगा कैसे यहाँ पर? आई होप सो 20 मिनट क्या दिखा रही है भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई कैसे क्या होगा। यहाँ पर बन रही है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, यहाँ पर ब्रीडिंग हो रही है गाइस, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर भाई नया कौन सा पोकेमोन आएगा भाई वो मुझे देखना है भाई, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है यार, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर अपना दो पोकेमोन भाई सब लिटरली भाई ब्रीडिंग कर रही है भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। फिलहाल यहाँ पर मैंने इंगोट बनाने के लिए रखा था, देखते हैं भाई इंगोट बन के रेडी हुआ कि नहीं भाई। एक ही इंगोट बना है भाई अभी तक, एक ही इंगोट बना है भाई, बाकी सारा पोकेमोन काम कर रहे हैं डैट्स व्हाई। फिलहाल यहाँ पर मुझे और एक भाई ये वाला मेडिसिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि और एक यहाँ पर अपना पोकेमोन भाई वीकेंड पे है भाई, दो दो पोकेमोन वीकेंड
है भाई, इन लोगों का वीकेंड खत्म नहीं होता। एक तो भाई वीकेंड पे चला गया भाई, ये लोग भाई वीकेंड पे इतना जल्दी जल्दी क्यों चला जा रही है मुझे पता नहीं है। आई थिंक सो मैंने ना यहाँ पर एक छेड़खानी किया था, देखो ये वाला जो है भाई सेट वर्क मोड भाई, इसे मैं हार्ड वर्क पे कर दिया था तो मैं इसे भाई नॉर्मल पे ही कर देता हूँ, नहीं तो बार बार भाई ये लोग वीकेंड वगैरह पे पड़ जा रही है तो मुझे ऐसे मुझे चाहिए नहीं है भाई, बार बार वीकेंड पे चला जाएगा भाई, गुस्सा आ रही है मुझे अभी तो। एंड गाइस यहाँ पर भाई इंगोट का कमी बहुत ज्यादा है। ऑलराइट यहाँ पर दो दो इंगोट बन के रेडी हो चुका है। हाँ जी भैया इंगोट तो बन के रेडी हो चुका है, मुझे यहाँ पर अपना रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन भाई तीन इंगोट चाहिए, तीन इंगोट भी नहीं है मेरे पास। एंड यहाँ पर बाकी सारा भाई सब लोग सीक पे हो चुका है भाई, ओवरफुल हो चुका है, कोई कोई वीकेंड पे चला गया भाई, क्या चल रही है भाई इन लोगों का। मेरा भाई हेल्थ भी बहुत ज्यादा लो हो चुका है भाई, बहुत ही ज्यादा हेल्थ लो हो चुका है, मुझे यहाँ पर खाना भी खाना पड़ेगा यार, मुझे मेरे पास बेड़ी भी खत्म हो चुका है, मुझे इधर से बेड़ी लेना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ बेड़ी वगैरह थोड़ा सा ले लेता हूँ, लेट्स गो। यहाँ पर थोड़ा सा बेड़ी मैंने ले लिया, खाना सबको खिला देता हूँ भाई, यहाँ पर मैं ही खाना खाना भूल जाता हूँ बार बार। चलो बाकी सारा काम तो यहाँ पर हो रही है थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ पर ब्रीडिंग का काम देखते हैं भाई कितना क्या हुआ है। ऑलराइट तो यहाँ पर ऑलमोस्ट भाई अपना 60% ब्रीडिंग कंप्लीट हो चुका है भाई, होने देते हैं और भी टाइम है अपने पास, तब तक भाई जितना भी अपने पास काम वगैरह है वो सब भाई निपटा लेते हैं अभी के लिए। भाई मैंने रॉबिन क्विल को तो अभी अभी यहाँ पर भाई खिलाया, रिकवर भी हो गया था अपने इलनेस से भाई, वापस वीकेंड पे क्यों चला गया यार मुझे पता नहीं चल रहा भाई क्या हो रहा है इन लोगों के साथ भाई, अलग ही सिस्टम चल रही है इन लोगों का ना, अभी काम पे हटाना पड़ेगा, नया वाला पोकेमोन को सब काम पे रखना पड़ेगा मुझे जितना तक लग रही है भाई, ऐसे तो भाई नहीं चलेगा। ना एजरोक को सबसे पहले भाई खिलाते हैं क्योंकि एजरोक भाई यहाँ पर डिप्रेस्ड हो चुका है, ठीक है एजरोक को खिलाना पड़ेगा। एजरोक किधर चले गया रे बाबा, यहाँ पर चलो इलनेस से हट चुका है वो भी, एंड वापस से अपने जगह पे तू चले जा एजरोक। ऑलराइट तो गाइस फाइनली गाइस यहाँ पर अपना ब्रीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ यार, पर मुझे अंडा दिख गया था तो मैंने सोचा यार यहाँ पर अपना एक बन के रेडी हो चुका है, लेकिन नहीं ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है, 95% हो चुका है, लेट्स गो। यहाँ पर 100% होने में बस कुछ ही सेकंड का बाकी है, 3, 2, 1 एंड हियर इज आवर फाइनली गाइस एग। एंड भाई अभी भी नहीं हुआ, अबे हो जा यार हो जा यहाँ पर, अबे हो जा भाई, ओके हो गया ऑलरेडी हो गया। एंड फाइनली यहाँ पर मैंने ले लिया अपना अंडा को, तो मेरा अंडा नहीं भाई, ये अपना जो माउक्रिस्ट है एंड अपना रेंडरी एक्स है भाई, दोनों का अंडा है भाई, इन दोनों का अंडा भी डालते हैं यहाँ पर, और एक अंडा बन के रेडी हो चुका, दो अंडा बन के रेडी हो चुका। तो गाइस इन दो अंडों को सबसे पहले निकालते, देखते कौन सा पोकेमॉन निकलता है। एंड यहाँ पर एक नया पोकेमॉन निकला है जो कि भाई रिप बनी है भाई, रिप बनी, ठीक है चलो रिप बनी तुम रहने दो, यहाँ पर और एक अंडा बन के रेडी हो चुका है, इसका भी देखते हैं। एंड इधर पे भाई रूबी निकला है भाई, ठीक है रूबी वगैरह मुझे अभी खैर चाहिए नहीं है भाई, ये अपने को मिला लार्ज स्क्रोचिंग एग, देखते हैं भाई एक घंटे बाद निकलेगा भाई लार्ज स्क्रोचिंग एग को, तो अभी निकालने देते हैं भाई इसे। ये एक घंटा लगेगा भाई, अगर इसके साइड पे ना मैं यहाँ पर कैंप फायर लगा दूंगा तो आई होप भाई फटाफट काम हो जाएगा। तो एक मैं यहाँ पर बना डालता हूँ, एंड और एक गाइस इधर पे देखो इस वाले लोकेशन पे बना डालता हूँ, बन जा, ओके दो यहाँ पर हम लोगों ने बना दिया। एंड देखो भाई अभी भाई एक घंटा था, देखो भाई 39 मिनट्स का हो गया, जैसे कि मैंने आप लोगों को 29 मिनट्स का हो गया, अगर मैं और एक लगा दूं तो कैसा होगा दोस्तों, और एक भाई लगाते हैं देखते भाई, अगर हो जाएगा तो मजा आएगा, देखते भाई मजा आ रही है दोस्तों। यहाँ पर बस मैं भाई आग पे जल ना जाऊँ भाई, तब जाके भाई 39 मिनट्स हो गया, ठीक है मैं हटा रहा हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके चलो 29 मिनट्स लगेगा, ठीक है मतलब ज्यादा भी तुम दे दोगे तो भाई मतलब गुस्सा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपना जो ब्रीडिंग का एक था भाई वो अभी भी 17 मिनट लगने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ भाई तब तक भाई यहाँ पर एक बॉस पोकेमोन को क्यों ना पकड़ा जाए, क्या बोलते हो दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अभी जाऊंगा, सबसे पहले एक बार मैप चेक कर लेता हूँ यार कौन सा वाले लोकेशन पे जाना ज्यादा बेहतर होगा। लाइक देखो ये वाला कैटरेस को तो मेरे पास ऑलरेडी है, पेन किंग मेरे पास नहीं है क्योंकि पेंटिंग को मैं डायरेक्टली मार दिया था, अजुरोप भी मेरे पास है, एंड यहाँ पर एल्फी ड्रम भी भाई, एल्फी ड्रम को मैं डायरेक्टली मार दिया था, तो भाई ये सब पोकेमोन को मैं मार था मेरे पास नहीं है ये सब पोकेमॉन। और एक खतरनाक सा पोकेमॉन था जिसको मैं मार डाला था एंड वो पोकेमॉन को मैंने पकड़ा नहीं था, देखो ये लेवल 38 का है, तो भाई इसे मैं अभी पकड़ने नहीं जाऊंगा फिलहाल। यहाँ पर ग्रीन टेल तो मेरे पास है, यहाँ पर देखो वार्क सेक्ट मेरे पास आई होप सो है गाइस, एक बार चेक कर लेके वार्क सेक्ट मेरे पास है कि नहीं, यहाँ पर तो दिख नहीं, ओके ऑल राइट यहाँ पर मेरे पास वार्क सेक्ट है जो कि लेवल 7 का है, ठीक है दोस्तों मेरे पास है वार्क सेक्ट फिलहाल अभी के लिए। और क्या चाहिए यहाँ पर मैप पे देखते भाई, मैप पे देख के मजा लेते हैं। एंड यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर चलते हैं ना दूसरे वाले लोकेशन पे, देखते हैं भाई दूसरे सब लोकेशन पे क्या पोकेमोन अपने को मिलता है क्या नहीं। फिलहाल ये सब तो मैं घूम चुका हूँ ऑलरेडी, तो इधर पे चलता हूँ सबसे पहले एंड इधर से उड़ उड़ के चलता हूँ भाई, देखता हूँ इधर पे कौन सा पोकेमोन मिलता है कि नहीं। लेट्स गो गाइस, अभी टाइम आ चुका है भाई नया से नया बॉस पोकेमोन को फाड़ने के लिए, फिलहाल चलते दोस्तों। ऑलराइट तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, ओ भाई इधर पे देखो आते ही भाई मुझे दो नया पोकेमोन देखने के लिए मिल गया भाई, इसका नाम क्या है उलीपो, उलीपो भाई क्या बोलते हो, इसे मार दे क्या गाइस, लेट्स गो
चलो मारते भाई, इसे कैप्चर कर लेंगे भाई इसे। और इधर पे देखो और एक खतरनाक सा उली पॉपो, नहीं सेम ही है भाई, लेवल 16 का भाई। भाई मेरे पास जो बॉल्स है भाई नॉर्मल बॉल के थ्रू ही मैं पकड़ सकता हूँ मुझे जितना तक लगता है। ओ भाई आजा 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 आजा, अभी इसको पकड़ लेंगे। वेट अ मिनट वेट अ मिनट, ओ फाड़ दिया मुझे, मुझे तो फाड़ दिया। रुको रुको, ओ इसको पकड़ लेते हैं एंड इसको तब तक के लिए मारेंगे। चलो इसको मारो इसको मारो ब्रो, इसको मारो, इसको पकड़ो उसको मारो, चलो 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 चलो, अरे उसको मारो यार, मुझे क्यों मार रहे हो भाई, सब अलग सिस्टम। ओ लो मर गया भाई, लो मर गया मर गया मर गया, तू आ जा तू आ जा। ओ लो गया भाई, गया 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 गया। चलो यहाँ पर ग्रीन बॉल के थ्रू पकड़ते हैं, लेट्स गो। अबे एक ग्रीन बॉल गया मेरा, गया हाथ से भाई, एक ग्रीन बॉल गया। मेरे पास 13 ग्रीन बॉल है भाई, मुझे खत्म नहीं करना अपने ग्रीन बॉल। ओ भाई फिर भी नहीं आया। ओ भाई साहब इसे तो आग लगाना पड़ेगा, इसे आग लग। अबे लो भाई यहाँ पर गलती से वापस से ग्रीन बॉल एक चला गया एंड वो मर भी जाएगा भाई। ब्लू बॉल के थ्रू पकड़ेंगे भाई, लेट्स गो ब्लू बॉल के थ्रू पकड़ेंगे। हो जा अबे नहीं हो रही है भाई, नहीं हो रही है, पकड़ ले यार, ब्लू बॉल भी मेरा खत्म हो जाएगा। 4 ब्लू बॉल से मेरे पास। ओ भाई नॉर्मल बॉल के थ्रू भी पकड़ नहीं पा रहे भाई, कितना सारा बॉल मेरा खत्म। अबे तेरी भैंस की टांग भाई, इसके वजह से मेरा कितना सारा बॉल खत्म हो गया एंड यहाँ पर इसके वजह से मुझे ना पाल क्वालिटी जो ऑयल होता है ना भाई, हाई क्वालिटी पाल ऑयल भाई, वो मिला मुझे। चलो वो सही है, लेकिन भाई इसने भाई मेरा बहुत सारा बॉल खत्म किया, ऊपर से हाथ में भी नहीं आया। ठीक है चलो, यहाँ पर मेरा हेल्थ भी बहुत ज्यादा लो हो चुका है, हेल्थ वगैरह भी सबसे पहले फुल कर लेते हैं। अपना पोकेमॉन वगैरह का हेल्थ तो भाई फुल है नो डाउट। यहाँ पर चलो चलते हैं अभी उड़ उड़ के भाई, देखते हैं कोई नया बॉस पोकेमॉन का तलाश पे चलते हैं। यहाँ पर गाइस और एक मुझे नया पोकेमॉन देखने के लिए मिल चुका है जिसका नाम है मुजाराइना। भाई ये सब पोकेमॉन भाई अलग ही दिख रही है भाई, मैं तो मतलब इतना दिन से एक्सप्लोर नहीं किया था, मुझे कोई भाई तगड़ा से तगड़ा पोकेमॉन भी नहीं दिख रहा था, लेकिन ये सब पोकेमॉन वैसे पकड़ के कोई उतना फायदा है नहीं, तो मैं पकड़ने वाला हूँ भी नहीं। यहाँ पर मुझे बॉस पोकेमॉन के साथ बस फाइट लेने में ज्यादा मजा आता है। फिलहाल अभी मैं कौन सा, ओके ऑलरेडी इधर भी एक बॉस पोकेमॉन दिख चुका है, इसका नाम बूसी। भाई बूसी का नाम मैं बहुत ज्यादा सुना हूँ गाइस, बूसी का नाम मैं मतलब बहुत टाइम से सुन रहा हूँ कि बूसी एक पावरफुल पोकेमॉन है, तो गाइस आज तो मैं बूसी को पकड़ने वाला हूँ दोस्तों, मजा आएगा। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। मेरा हेल्थ सबसे पहले लो है तो गाइस मुझे मेरा हेल्थ को सबसे पहले फुल करना पड़ेगा। गाइस बूसी का लेवल वैसे उतना भी ज्यादा नहीं है, आप लोग देख सकते हो लेवल 23 का, एंड मेरे पास जो पोकेमॉन है ना भाई वो लोगों का ही लेवल बहुत ज्यादा है। तो भाई ड्विनगन के अंदर चलते अगेन फाइट लेते भाई, इससे डरने वाला कोई बात है नहीं। मेरे पास गीगा स्पेयर है ना गाइस, मेरे पास गीगा स्पेयर तो है, सबसे पहले मैं किसको मुसाड़ना, जाओ यार तुम ही लड़ो यार, मुसाड़ना अकेले फाड़ देगा भाई, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, मुसाड़ना बस मारेगा। देखो भाई ओ बूसी क्या कर रही है भाई, ओ अभी तक बूसी ने कुछ भी नहीं किया यार, मैंने सोचा भाई बूसी कुछ तो कर रही है, लेकिन नहीं बूसी तो बुश हो गया डर के मारे। बूसी मैं इधर हूँ, बूसी बूसी मैं इधर हूँ भाई, लड़ लो। अरे बूसी तो बहन है भाई, भाई नहीं है, ठीक है जो भी है सो है भाई। मुसाड़ना लक्ष्य को भी भाई यहाँ पर तगड़ा लो कर दिया लेवल, फिलहाल इसको देते। ओ भाई बच गया, ओ ओ ओ भाई सब तगड़ा मार रही है भाई, तगड़ा मार रही है अपना मुसंडा लग। भाई मुसंडा लग का अलग ही पावर है भाई, अपने पास बर्दस्त भी है गाइस, बर्दस्त भी है, बर्दस्त भी फाड़ेगा भाई, सब मिलके फाड़ेंगे। चले यहाँ पर मेरा फायर एरो खत्म कर रही है भाई, मतलब इधर से उधर भाई छलांग मार के देखो किधर से किधर चला जा रही है भाई, अलग ही सीन। चलो इसको मारो, ओके लेट्स गो लेट्स गो। भाई इसको पूरा मारना नहीं है भाई, पूरा मर जाएगा तो यार मुझे वापस से 1 घंटा बाद फाइट लेना है, उसके बाद भाई इसे पकड़ना पड़ेगा, तो मुझे पूरा खत्म तो नहीं करना पड़ेगा। जब इसका हेल्थ ना लेवल 200 से नीचे आ जाएगा तब मैं इसको कैप्चर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। फिलहाल यहाँ पर मुसंडा लक्स अकेला मार देगा यार, मुसंडा लक्स अकेला मार देगा, सो टेंशन वाली उतना भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर अपना देखो फायर एरो भी तगड़ा भाई हेल्थ लो कर रही है, इसका तगड़ा हेल्थ लो कर रही है फायर एरो भाई। ओ भाई 400 हो गया दोस्तों, भाई सब 400 हो गया। ऑलराइट तो गाइस अभी पकड़ने का टाइम तो आ चुका है भाई, मुसंडा लक्स क्या कर रहे हैं मुझे भी पता नहीं है। फिलहाल इसको पकड़ो, जा 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 तेरी भैंस की टांग, इसको पकड़ो अभी, 200 हेल्थ है इसका भाई, इसको मारो। ओ एरो भी रेडी नहीं है भाई, एरो भी रेडी नहीं है। ओ ओ भाई भाई कितना हेल्थ कर दिया मेरा, देखो भाई सब लिटरली ओ मेरा हेल्थ कितना कम कर दिया। यहाँ पर भरदस को भेजता हूँ अभी के लिए। ओ पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया गाइस, फाइनली हम लोगों ने बूसी को पकड़ लिया भाई। मुझे पता नहीं था कि मैं पकड़ लूंगा, लेकिन भाई बस इतना था मेरा हेल्थ, बाकी था 100 हो गया था भाई, उसने एक झटका दिया एंड मेरा 100 हेल्थ कर दिया भाई। मैंने सोचा मैं गया, लेकिन नहीं मैं बच गया गाइस फाइनली, एंड यहाँ पर हम लोगों ने बूसी को पकड़ लिया। एंड गाइस अभी आई होप अपना जो ब्रीडिंग का एक था वो भी आई थिंक सो हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी चलते गाइस अपना ब्रीडिंग एक भी निकालना पड़ेगा, एंड रात भी हो चुका है। सबसे पहले एक झपकी लेंगे गाइस, उसके बाद अपना ब्रीडिंग वाला एक को फोड़ेंगे, देखेंगे उससे अपना भाई कौन सा नया पोकेमॉन निकलता है भाई, बहुत ज्यादा मजा आएगा यार। ऑलराइट तो गाइस फाइनली हम लोग अपने बेस पे तो आ चुके हैं, एंड अभी चलते हैं भाई एक झपकी लगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद गाइस अपना ब्रीडिंग का एक को फोड़ेंगे एंड निकालेंगे उससे अंडा, आई मीन अंडा नहीं, अंडा तो है ऑलरेडी, अंडा से निकलेगा
कोई एक नया पोकेमोन। तो यहाँ पर मेरा हेल्थ वगैरह सबसे पहले बहुत ज्यादा लो है, तो सबको भाई खिला पिला देते हैं। यहाँ पर हेल्थ वगैरह हो चुका है फुल एंड 18 मिनट का टाइम बाकी था, आई होप 18 मिनट इतना देर में तो हो ही चुका है। एंड यहाँ पर फाइनली गाइस अपना लार्ज स्क्रोचिंग एक बन के रेडी हो चुका है गाइस। ओ भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, अबे रेसिपी नहीं करना भाई, इसको निकालो कोई। ओके चलो चलो 3 2 1 एंड लेट्स गो गाइस। यहाँ पर वीकजेन निकला भाई, ये जोकर जैसा पोकेमोन मेरे पास ऑलरेडी है भाई, इसके लिए मैं इतना देर से वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर वैसे मैंने केक बनाने के लिए रखा था भाई, केक भी यहाँ पर बन के रेडी अभी भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ केक बन के रेडी हो जाएगा यहाँ पर। और एक केक को बनाते हैं भाई, आप लोगों को अगर पता है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा भाई यहाँ पर दो पोकेमोन रखने से ज्यादा अच्छा वाला यहाँ पर अपने को मिलेगा ब्रीडिंग करके पोकेमोन, तो भाई जरूर मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल ये वाला अपना केक बन के ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका है। ऑलराइट तो गाइस फाइनली यहाँ पर अपना केक बन के रेडी हो चुका है गाइस, तो सबसे पहले अपने केक को लेते हैं दोस्तों। एंड यहाँ पर और एक केक बनाने के लिए रख देता हूँ, चलो यहाँ पर और केक बनाने के लिए हम लोगों ने रख दिया। यहाँ पर एजरो काम पे भी लग चुका है। एंड अभी मैं दो नया कौन सा पोकेमोन को रखूं भाई, मैं वो सोच रहा हूं, लेकिन उससे पहले इन दोनों को सबसे पहले इधर से हटाते हैं। आजा रे आजा आजा, तुम दोनों का हो चुका है, तुम दोनों मिलके ये ऐसा भाई पोकेमोन दिया, मुझे पता नहीं था यार ऐसा भी पोकेमोन दोगे। अभी देखता हूं यहां पर, मुझे थोड़ा रिसर्च करने दो भाई, मैं एक बार रिसर्च कर लेता हूं एंड देखता हूं भाई कौन सा दो पोकेमोन छोड़ के। भाई मेरे पास भूसी भी है यार, भूसी मुझे अभी मिला यार, भूसी मेल है या फीमेल? भूसी तो देखो तगड़ा पोकेमोन है, भूसी मेरे पास बॉस पोकेमोन है भाई, भूसी है यहां पर फीमेल एंड और एक तगड़ा बॉस पोकेमोन यहाँ पर रख देंगे तो भाई तगड़ा से तगड़ा पोकेमोन आ जाएगा। और एक कौन सा बॉस पोकेमोन रखना ज्यादा सही होगा देखते एक बार। एंड बॉयज मुझे अभी अभी पता चला कि बॉयज यहाँ पर अपन लोग अगर अपना मुसांडा एंड अगर हम लोग अपना कैटरेस को रख देंगे तो भाई अनुबिस का भाई अनुबिस का यहाँ पर जन्म होगा। तो भाई अनुबिस एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है, तो मेरे पास मुसांडा भी है दोस्तों एंड मेरे पास यहाँ पर कैटरेस भी है, तो गाइस क्यों ना यहाँ पर इन दोनों को भाई अभी मिलके ब्रीडिंग करवा जाए। लेकिन तू किधर जा रही है? अरे रुक जरा सबर कर, रुको जरा सबर करो भाई, किधर जा रही है भाई, अबे किधर जा रही है, मेरे पास आ जा। ऑलराइट तो गाइस अभी कैटरेस को ले चलते हैं एंड कैटरेस को डालते हैं भाई अपने ब्रीडिंग फार्म के अंदर, लेट्स गो। तू चल एंड अभी मुसांडा किधर चलेगा? हो रहा मुसांडा भी, मुसांडा को भी ले आते हैं एंड इन दोनों को केक खिला के और एक भाई अनुबिस का जन्म देंगे। भाई अनुबिस मेरे पास वैसे भी नहीं है, तो अनुबिस एक पावरफुल पोकेमोन भी है भाई। अभी मुझे ना भाई आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट करो मुझे बताओ कि क्या करने से क्या ज्यादा बेहतर होगा, किसको पकड़ने से ज्यादा भाई अपने को मतलब ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वो सब बताओ। आप लोग नहीं बताते, मुझे भी पता नहीं होता यार, यही दिक्कत है मेन वाला चीज। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर हम लोगों का जो ब्रीडिंग होना स्टार्ट हो चुका है, तो इन दोनों का ब्रीडिंग होने देते हैं अभी के लिए। बाकी सारा मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर क्या किया जाए, और क्या किया जाएगा आप लोग क्या बोलते हो भाई, और एक बॉस पोकेमोन को पकड़ा जाए क्या, क्या बोलते हो? और एक तो गाइस यहाँ पर अपना लार्ज फ्रोजन एक बनकर रेडी हो चुका था भाई, लार्ज फ्रोजन एक को अभी देखते हैं क्या निकलता है। एंड क्या निकला भाई? इनक्यूबेशन कंप्लीट भाई, इनक्यूबेशन कंप्लीट। अबे भाई क्या क्या भाई, मैंने तो एक नया पोकेमोन यहाँ से जन्म होने का वादा किया था, लेकिन ये क्या हो गया? चलो जो है सो है भाई, उससे उतना खैर मतलब है नहीं। यहाँ पर मुझे फ्लेम ऑर्गन भी मिल रही है एंड मुझे यहाँ पर देखो पैसा भी मिल रही है। अभी यहाँ पर तीन तीन पोकेमोन अपना काम कर रही है भाई, बहुत ही सही बहुत ही सही बहुत ही तगड़ा। एंड इधर पे अपना केक भी बन के रेडी हो रही है। फिलहाल यहाँ पर खाना वगैरह तो अभी के लिए है सो उतना भी टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर मेरा आर्मोर वगैरह भाई एकदम डैमेज हो रखा है, तो आर्मोर वगैरह को भी रिपेयर कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर चलो फायर एरो भी मिल चुका है, यहाँ पर अपना आर्मोर को रिपेयर करते हैं। सबसे पहले आर्मोर हो चुका है रिपेयर, मेगा शील्ड अभी रिपेयर नहीं करेंगे, ये भी रिपेयर कर ही लेते हैं दोस्तों, बाकी सारा चीज अपना रिपेयर है। ऑलराइट तो गाइस फाइनली यहाँ पर अपना अंडा बन के रेडी हो चुका है, तो गाइस हम लोगों ने ह्यूज रॉकी एग भी ले लिया, अभी देखते क्या इसके अंदर से अनुबिस निकलता है कि नहीं, भी देखना पड़ेगा यार अनुबिस निकलने में कितना टाइम लेता है, क्योंकि अपना जो ह्यूज रॉकी है एक है भाई, ये भी निकलने में लगभग एक घंटा तो ले ही लेता है। तो अभी इसको डाल देते हैं भाई इसके अंदर, लेट्स गो, अभी देखते हैं। एक घंटा लगेगा, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, एक घंटा तो लगेगा।